हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीम्ड राउंड वन कट ऑफ के बारे में। एमसीसी का रिजल्ट कल अनाउंस कर दिया जा चुका है और कल रिजल्ट आते ही मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी थी कि क्या ऑल इंडिया कोटा से 50% की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी, ठीक है, जिसमें मैंने सारी ब्रांचेस के बारे में बात करी थी। और अब मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बात करूँगा ब्रांच वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है आने वाले राउंड्स में और कितना पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिला इस बार राउंड टू में। अब होगा क्या, स्टूडेंट्स और भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और जो चॉइस फिलिंग अननेसेसरी हो रही थी राउंड वन में फ्री एग्जिट के चक्कर में, वो राउंड टू में कहीं ना कहीं आके रुकेगी। क्योंकि राउंड टू में क्या होगा, आपका अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा अगर आप जो कॉलेज है जो आपको मिल जाता है अगर आप नहीं लेते हैं, ठीक है। तो राउंड वन में तो फ्री एग्जिट था, बट फिर भी इतनी जितनी लास्ट ईयर तक अननेसेसरी यहाँ पे चॉइस फिलिंग होती थी वो हमें इस साल देखने को नहीं मिली है। क्योंकि अगर आप इस बार राउंड वन में अगर आपको कॉलेज जैसे मिल चुका है तो आप स्टे वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी, आप पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर तक ये रूल नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जो चॉइस फिलिंग में कुछ भी भर देते थे स्टूडेंट्स, इस बार उसमें हमें कमी आती हुई नज़र आई है, ठीक है। और राउंड टू में आते आते ये हमें जो रूल्स हैं और भी स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आएंगे। और जब राउंड टू ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो रिवाइज कट ऑफ आएगी उसके बाद फिर राउंड थर्ड आएगा, ठीक है, तो उसमें और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। तो इस वजह से अब राउंड टू अगर जो भी स्टूडेंट्स या डॉक्टर जितने भी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए राउंड टू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पास राउंड टू में एक गोल्डन चांस होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपको कॉलेज या अपनी ब्रांच मिलने की। बट राउंड थ्री में क्या होगा, और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और फिर से एक जो कंपटीशन है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा कट ऑफ्स के बारे में। इससे पहले बता दूँ, आप चाहे तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दिए हैं, बीच में हमने बंद कर दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल्स या व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट वो हमने लिमिटेड टाइम के लिए बंद किया था क्योंकि उस टाइम पे जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो सारा चल रहा था और हमारी सारी टीम वहीं पे बिजी थी। लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है और हमने फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, ठीक है। नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं, 7696450359। इसके अलावा एक और नंबर है 9056450359। यू कैन कॉल ऑन बोथ दीज नंबर एंड यू कैन अवेल आवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। ऑल्सो यू कैन रीच आवर ऑफिस विच इज़ लोकेटेड इन नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन। द एड्रेस ऑफ आवर ऑफिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। ऑल द कट ऑफ्स आर बिंग शेयर्ड इन दैट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो चैनल पर भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, राउंड वन के बारे में बात करेंगे और 2023 का और लास्ट के जो 2022 का राउंड वन था उसमें भी उसके बारे में बात करेंगे और क्या कंपैरिजन है और कितना डिफरेंस है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जो लास्ट ईयर 2022 में जो राउंड वन की कट ऑफ रही थी वो रही थी 70,165 और राउंड वन में 2023 में 70,185 रही है। तो ज़्यादा शिफ्ट नहीं देखने को मिला, सिर्फ 20 रैंक का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। अब चलते हैं लोअर क्लिनिकल में, आती है एनेस्थीशिया। तो एनेस्थीशिया में डीम्ड में 1,07,971 पे भी मिला है, अब मिला था 2022 में राउंड वन में और इस साल मिला है 1,20,283 में। तो 12,000 का हमें पॉजिटिव शिफ्ट मिला, 12,312 का पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बात करते हैं लोअर क्लिनिकल में ईएनटी के बारे में। तो ईएनटी में लास्ट ईयर 88,469 पे मिल गया था, इस साल ये मिला है 1,14,375 पे और पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिला है 25,906 रैंक का। इतना पॉजिटिव शिफ्ट 25,000 प्लस में आपको देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे, फैक्टर्स ये थे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अननेसेसरी जो चॉइस फिलिंग होनी थी वो नहीं हुई इस बार, ठीक है। स्टूडेंट्स ने फ्री एग्जिट तो था बट उसका इतना फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलता हुआ नज़र आया, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं और उससे ज़्यादा जो सबसे मेन फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है वो था सीट्स ऐड होने का। तो सीट्स बहुत ज़्यादा इस बार ऐड हुई हैं और राउंड टू में और भी सीट्स यहाँ पे ऐड होंगी। तो इस वजह से जो पॉजिटिविटी अभी हमें देखने को मिल रहा राउंड वन में, वो राउंड टू में और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप और भी ब्रांच बड़ी डिजर्व करते हैं इससे अच्छी, तो यू कैन गो फॉर राउंड टू वाइल अपग्रेडिंग योर सीट ऑफ राउंड वन, ठीक है। आप उसको राउंड वन वाली सीट को रख सकते हैं। कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में आपको फीस पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अपने, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे,
और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप राउंड टू के लिए जा सकते हैं। राउंड टू में अगर नहीं मिलता है तो आप राउंड वन में भी सीट ले सकते हैं, मिल जाता है तो राउंड टू वाली आप ले सकते हैं, ठीक है। राउंड टू में अगर नहीं भी मिलता है या तो मिल जाता तो भी आप फ्री एग्जिट राउंड वन वाली सीट को ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्थेल्मा के बारे में। ऑप्थेल्मा 79,293 पे क्लोज हुई थी राउंड वन में 2022 में, इस साल क्लोज हुई है 101,924 पे, तो 22,631 का पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। साइकेट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो 83,515 पे मिला था और इस साल मिला है 94,752, तो यहाँ पे हमें 11,237 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। पैथोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है हमारी, 109,219 पे क्लोज हुआ था 2022 में और 2023 में 120,169 पे क्लोज हुआ है, तो 10,950 का हमें पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला है। टीबी चेस्ट जिसको हम एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन के नाम से जानते हैं, 75,508 का यहाँ पे मिला था लास्ट ईयर, इस साल 82,036 यानी कि 6,528 का पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में जो कि इमरजेंसी मेडिसिन, 79,187 पे लास्ट ईयर मिला था और इस साल ये गए हैं 87,819 तक, तो 8,682 का भी पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में तो वो है जनरल सर्जरी, तो जनरल सर्जरी में 89,082 पे मिला था, इस साल 119,055 और जो पॉजिटिव शिफ्ट है 29,973 का मिला है। तो सबसे जो मेजर आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिला इन सभी ब्रांचेज में वो जनरल सर्जरी में ही मिला है और जनरल सर्जरी की सबसे ज़्यादा सीट्स एड ऑन भी हुई थी इस साल, ठीक है। इसके अलावा ओब्स गायनी में भी बहुत ज़्यादा सीट्स एड ऑन हुई है, तो जनरल सर्जरी में 300-400 जो सीट्स हैं वो एड ऑन हुई थी, तो उस वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, तो सॉरी लो जाती हुई नजर आ रही है। ओब्स गायनी 71,457 2022 में गई थी, 2023 के राउंड वन में 85,198, तो 13,741 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। ऑर्थोपेडिक्स में 90,520 पे मिला था राउंड वन में 2022 में और 2023 में 119,292, तो 28,772 का पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस बार, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी एलिजिबल नहीं है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया रिवाइज कट ऑफ आएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो भी जरूर वेट करें राउंड थ्री का, उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, हालांकि वो स्टेट में राउंड टू के पार्टिसिपेट करेंगे सबसे पहले, अगर तब भी नहीं मिलता तो उनके लिए राउंड थ्री है, जस्ट क्वालिफाइड है तो भी आपको इजिली मिल सकता है, बट आपको काउंसलिंग में ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको जो ब्रांच डिसर्व करते थे क्या वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो आपको कॉलेज चाहिए था वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, कहाँ पे बॉन्ड है, कहाँ पे क्या स्टेटस है, कितनी आपको कैसा वहाँ का कल्चर है, क्या वहाँ पे आईपीडी कैसी है, ओपीडी कैसी है, इन सभी बातों को पता होना चाहिए, उसके लिए आपको काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है उस टाइम पे। तो आप चाहे तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी लो स्कोरर्स हैं या मैनेजमेंट कोटा की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान में भी ऑप्शन है वैसे तो और यूपी में भी अच्छे ऑप्शन है, ठीक है, हमारी टीम को जरूर कॉल करें अगर आप अभी भी क्वालिफाइड नहीं है तो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे पीडिया के बारे में, तो पीडिया में चलते हैं, तो 66,488 पे क्लोज हुआ था, इस साल 76,594 पे, 10,106 का डिफरेंस देखने को मिला है। अब आइए हमारी अपर क्लिनिकल जनरल मेडिसिन, 59,562 पे क्लोज हुआ था, इस साल 62,486 पे। डर्मा में बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है और डर्मा में 51,068 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, इस साल हुआ है 60,694, तो 9,626 का हमें पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इवन कि रेडियो डायग्नोसिस अगर मैं गवर्नमेंट में बात करूँ तो नेगेटिव शिफ्ट है लेकिन डीम में पॉजिटिव शिफ्ट है, रेडियो डायग्नोसिस में 54,129 पे मिला था राउंड वन में 2022 में और 2023 में राउंड वन में ये क्लोज हुआ 62,158, तो 8,029 का पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सभी मैंने डीम्ड के बारे में बात करी है कि डीम्ड में कितना कितना यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिला और कितना आपकी इस बार जो कट ऑफ गई है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी डीम्ड के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी स्टूडेंट्स फ्री एग्जिट लेंगे और जो पॉजिटिव शिफ्ट हमें 10,000-15,000 दिख रहा है वो 25,000 तक भी जाता हुआ नजर आएगा और जो 25,000 वाला है वो 30-35,000 प्लस में भी जाता हुआ नजर आएगा रैंक को लेकर। अब ये पॉजिटिव शिफ्ट होता क्या जिनको अभी भी नहीं पता, लास्ट ईयर की रैंक देखें और इस साल की रैंक देखें तो उसमें अब जो फर्क होगा आपको जो पॉजिटिव में दिखेगा वही होता है पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है। तो ये थी अभी के लिए वीडियो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बैठ के और नंबर नीचे दोस्त पे कॉल कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।